के नेता श्री तेजस्वी यादव जी कह रहे थे कि भ्रष्टाचार हो रहा है, आरसीपी टैक्स नाम दिया था भ्रष्टाचार का, आरसीपी टैक्स के माध्यम से वसूली हो रहा है। अब ये तेजस्वी यादव जी के आरोपों में दम था वो सही साबित हुआ। आज जेडीयू खुद ही इसको स्वीकार कर रही है। जेडीयू ने अपने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय श्री आरसीपी सिंह जी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं और नोटिस भेजा है, उनसे जवाब मांगा है। ये बात लगातार प्रतिपक्ष के नेता श्री तेजस्वी यादव जी कह रहे थे कि भ्रष्टाचार हो रहा है, आरसीपी टैक्स नाम दिया था भ्रष्टाचार का, आरसीपी टैक्स के माध्यम से वसूली हो रहा है। अब ये तेजस्वी यादव जी के आरोपों में दम था वो सही साबित हुआ। आज जेडीयू खुद ही इसको स्वीकार कर रही है। अब आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इसकी जांच कराएं, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन सिंह जी इसकी जांच कराएं और दूध का दूध और पानी का पानी करें कि भ्रष्टाचार का खेल किस कदर हुआ है। जो बात लगातार आरोप लगा रहे थे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी, यही बात तो विपक्ष सवाल उठा रहा था कि भ्रष्टाचार हो रहा है, आरसीपी टैक्स वसूला जा रहा है आरसीपी सिंह जी के माध्यम से, लेकिन उस समय सरकार ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन देर सवेर सरकार ने अपने ही पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह जी को नोटिस भेजा है, उन पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। देखिए, एनडीए घटक दल में एक चीज बहुत साफ है कि हम न्याय के साथ विकास पर विश्वास रखते हैं। जनता दल यूनाइटेड के नेता के ऊपर में पार्टी फोरम पर शिकायत है, पार्टी ने आरसीपी सिंह जी से शोकॉज पूछा है, अगर उन्होंने सफिशियंट जवाब नहीं दिया तो विधि सम्मत कार्रवाई होगी। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि पूरी की पूरी पार्टी इन्वॉल्व है। रही बात अपोजिशन की, तो अपोजिशन के नेता तोहमत लगाने के बारे से पहले 100 बार सोचे। अगर उनके नेताओं के ऊपर में कोई शिकायत आती है तो पूरी की पूरी पार्टी लग जाती है बचाने में। और हमारे यहां, हमारे एनडीए गठबंधन में किसी नेता के खिलाफ शिकायत आती है तो पहले पार्टी फोरम पर जांच होती है और उसके बाद हम विधि सम्मत कार्रवाई करते हैं। इसलिए अपोजिशन इस मामले को तूल देने से पहले अपने गृहबान में झांक कर देखे कि वो कर क्या रहा है।